ये फुटेजेस आज से कुछ साल पहले ली गई थी, जिसमें देख सकते हैं कि टार्जन कार का कम्प्लीटली बुरा हाल हो चुका है। लेकिन एक ऐसी कार जो इंडिया में टॉप फेमस है, उसका ऐसा हाल कैसे हुआ? क्यों कंपनी को इस कार को बेचने के लिए 80% तक का डिस्काउंट देना पड़ा, लेकिन कोई भी इस कार को खरीदने के लिए तैयार नहीं था? आखिरकार कंपनी के पास कोई चॉइस नहीं बची और कार को कम्प्लीटली अबैंडन्ड कर दिया गया। और मूवी के रिलीज होने के कुछ साल के बाद ही ये कार मुंबई की सड़कों में रंग खा रही थी। टार्जन की कहानी बहुत यूनिक है, जिसमें कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से टार्जन कार कम्प्लीटली फेल हो गई। टार्जन दिलीप छाबरिया के द्वारा इंडिया के लिए फर्स्ट सुपर कार बनाने का फेल्ड अटेम्प्ट था, जिसमें दिलीप छाबरिया ने टार्जन कार को लॉन्च करने के लिए एक मूवी का सहारा लिया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी टार्जन कार कम्प्लीटली फेल हो गई। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? एक प्रोडक्ट का फेल होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि क्वालिटी इश्यू, बैड मार्केटिंग और बैड प्राइसिंग, और टार्जन के केस में ये सब कुछ था। बहुत लोगों को एक गलत फहमी है कि टार्जन वॉज ओरिजिनल कार। टार्जन एक्चुअली 2002 में बनाई गई डीसी इनफील्ड की सक्सेसर थी, जिसको टोयोटा एमर 2 से बनाया गया था। हाल में हुए डीसी अवंती स्कैम से पहले अगर डीसी कंपनी किसी चीज के लिए फेमस थी तो वो थी टार्जन कार। टार्जन इंडिया के हर बच्चे की ड्रीम कार हुआ करती थी और आज भी है। मेरी रिसर्च से मुझे कुछ रीजंस पता चले कि टार्जन कार फेल क्यों हुई, जिसमें से पहला रीजन था मूवी इटसेल्फ। दिलीप छाबरिया ने अपनी कंपनी डीसी मोटर्स और टार्जन को प्रमोट करने के लिए उसके लिए फुल मूवी बनाई, जिसमें टार्जन मेन रोल निभा रही है। इस मूवी को बनाने के लिए इसमें अजय देवगन को कास्ट किया गया, जिससे इसकी थोड़ी हाइप बना सके। दिलीप छाबरिया की टार्जन मूवी 2004 में रिलीज की गई, जिस साल बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स जैसे कि शाहरुख खान की वीरजारा मेहूना और धूम जैसी मूवीज भी रिलीज हुई थी। इंडियंस आर मोर इंटरेस्टेड इन बाइक्स देन कार्स, इसीलिए लोगों ने नेचुरली धूम देखना ज्यादा पसंद किया। और इतनी सारी टॉप एक्टर्स की मूवी इसी साल आने की वजह से लोगों ने टार्जन को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। 2004 में स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे और जियो जैसी कंपनीज भी नहीं थी, और इस वजह से ना ही कोई इंटरनेट था, ना ही कोई सोशल मीडिया था, जिसकी वजह से इंडिया की बहुत सारी ऑडियंस तक ये मूवी पहुंच भी नहीं पाई। अजय देवगन का इस मूवी में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से कुछ लोगों ने इस मूवी को देखा। टार्जन मूवी को बनाने के लिए क्रिस्टीन मूवी के कम्प्लीटली स्क्रिप्ट को कॉपी कर लिया गया था, जिसमें फैमिली ड्रामा और बॉलीवुड रोमांस का तड़का डाल लिया था। लेकिन मूवी के देखने के बाद ही लोगों को पता चल गया दिस इज अ कॉपी ऑफ हॉलीवुड, और बहुत लोगों को मूवी पसंद भी नहीं आई। इसका प्रूफ आप IMDB के ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं। मूवी को बनाने का कॉस्ट 14 करोड़ आया था, जिसमें से मूवी सिर्फ 6 करोड़ ही रिकवर कर पाई। टार्जन मूवी के फेल होने के बाद इसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, जहां पे इसको थोड़ी सक्सेस मिली और लोगों को टार्जन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हो गया था। OTT प्लेटफॉर्म के सक्सेस के बाद दिलीप छाबरिया ने फाइनली टार्जन को रिलीज कर दिया 2 करोड़ प्राइस के साथ। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, टार्जन OTT प्लेटफॉर्म से फेमस तो हुई थी, बट नॉट अमंग एडल्ट्स बट अमंग किड्स, और ये प्रॉब्लम क्रिस्टीन मूवी को कॉपी करने के क्रिस्टीन एक हॉलीवुड हॉरर मूवी थी, जिसमें एक घोस्ट कार लोगों को मार रही होती और बच्चों को एक कार बहुत पसंद आने लगी। सो हॉरर मूवी होने के बावजूद भी ये फैमिली फ्रेंडली मूवी बन गई, और यही सेम केस टार्जन के साथ भी हुआ। OTT प्लेटफॉर्म भी टार्जन फेमस तो हो गई थी, लेकिन उसकी 99% ऑडियंस बच्चे ही थे, और हम ऐसा कह सकते हैं एक्चुअली टार्जन के लिए एक फेक डिमांड बन गई थी। टार्जन की इस फेक डिमांड की वजह से दिलीप छाबरिया ने इसकी प्राइस 2 करोड़ रख दी। कुछ लोग जो इस कार को खरीदना चाहते थे वो भी स्टेप बैक कर गए। जैसे कि मैंने पहले बताया, टार्जन वॉज नॉट ओरिजिनल कार। टार्जन एक्चुअली सक्सेसर थी 2002 डीसी इनफील्ड की, और टार्जन को बनाने के लिए डीसी ने सिर्फ 8 महीने लगाए थे, जिसको टोयोटा एमर 2 से बनाया गया था। आपने हमेशा देखा होगा सेमी ट्रक और उसके ट्रेलर के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिसके थ्रू अगर एयर पास हो उससे एरोडायनामिक ड्रैग प्रोड्यूस होता है, जिससे स्पीड और माइलेज कम हो जाती है। और सेम प्रॉब्लम टार्जन के डिजाइन के साथ भी थी। अगर टार्जन के डिजाइन को आप देखें तो उसमें भी एक पॉइंट आता है, जिसमें सेमी ट्रक की तरह बीच में थोड़ी स्पेस अवेलेबल है, तो ये स्पेस ऑब्वियसली एरोडायनामिक ड्रैग प्रोड्यूस करेगी और कार के ओवरऑल स्पीड और माइलेज भी घटा देगी। इस वजह से टार्जन की ओवरऑल परफॉर्मेंस टोयोटा एमर 2 से भी कम हो जाती है। 2004 में आने वाली 2 करोड़ की किसी भी सुपर कार को हम अगर टार्जन से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली टार्जन मेक्स नो सेंस टू बाय। इस रीजंस की वजह से टार्जन को ऑब्वियसली किसी ने नहीं खरीदा, और फाइनली कंपनी को इसको बेचने के लिए 80% डिस्काउंट देना पड़ा। डीसी मोटर्स ने टार्जन को 55 लाख में ऑफर किया, लेकिन इतना बड़ा डिस्काउंट देने के बावजूद भी कंपनी सिर्फ एक ही यूनिट सोल्ड कर पाई, और इन 17 सालों के बीच कार के भी 6 ओनर बदले, और उसके लास्ट ओनर ने उसको मुंबई की गलियों में सड़ने के लिए छोड़ दिया। फाइनली टार्जन को इंटरनेशनल ऑटो एंड एग्र के द्वारा खरीद लिया गया है और उसको रिस्टोर किया जा रहा है। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में नीचे बताइए, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके किसी दोस्त को टार्जन पसंद है तो ये वीडियो उसे भी शेयर कीजिए। थैंक यू।